जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम आपको वास्तु से संबंधित कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं जिनका आपको अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए। प्रवेश द्वार के सामने दर्पण नहीं लगाना चाहिए, सफलता के अवसर आकर के लौट जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अपने मेन एंट्रेंस के बाद दरवाजे से एंटर करते ही वहां पर कोई मिरर लगा करके रखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक किसी योग्य वास्तु शास्त्री ने वास्तु दोष निवारण के लिए आपको ना बताया हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो जीवन में सफलता के अवसर से आप चूक जाएंगे। जब आप भूमि खरीदते हैं, भूखंड खरीदते समय दो बड़े भूखंडों के बीच में छोटा भूखंड कभी नहीं लेना चाहिए, इससे आपका विकास अवरुद्ध होता है। और इसके अलावा वास्तु शास्त्र के अनुसार बिना अड्डा या उठान वाली जो सीढ़ियां होती हैं वो ऊर्जा के सहज प्रवाह में बाधक होती हैं। तो जब भी आप अपने घर में सीढ़ियां बनाते हैं तो आपको देखना होगा कि आप पहले एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाएं, फिर उसके बाद आप सीढ़ियां बनाएं। यही सीढ़ी बनाने का सही नियम होता है। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो शयन कक्ष में अपना किसी भी प्रकार का कार्यालय आपको नहीं रखना चाहिए, किसी भी तरीके का वहां पे वर्क का आपको टेबल नहीं रखना चाहिए। ये वास्तु के अनुसार गलत है, इससे आपकी दिनचर्या और आपका व्यापार दोनों प्रभावित हो सकते हैं। किसी भी दंपति के शयन कक्ष में अपने पूज्य देवी देवताओं के चित्र या मूर्ति या फिर अपने घर का पूजा स्थान यानी मंदिर स्थापित नहीं करना चाहिए, इससे देवी देवता का अनादर होता है। तुलसी के पौधे को घर के किसी भी दिशा में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए यानी पॉजिटिव एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए स्थापित किया जा सकता है, किंतु यदि आप इस पौधे की पूजा आराधना करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप घर के उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में ब्रह्म स्थान यानी केंद्र में या फिर उत्तर पूर्व में नॉर्थ ईस्ट में ही लगाएं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। पीपल अश्वत्थ का वृक्ष घर के पूर्वी दिशा में अशुभ कहा जाता है, किंतु पश्चिमी दिशा में यह बहुत ही शुभ होता है क्योंकि ये भारी वृक्ष होते हैं। तो कहते हैं कि भारी वृक्ष जो है दक्षिण और पश्चिम में लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। सकारात्मक ऊर्जा के लिए यानी शुभ ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी के लिए भवन में तुलसी का वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। व्यवसाय के विस्तार की अगर कोई योजना हो तो पूर्वी दिशा में आप दर्पण लगाते हैं अगर अपने घर में, घर के अंदर, तो आपको फायदा मिलता है। लाल बर्तनों में जल के भंडारण से तत्वों की प्रतिकूलता होती है, ऐसा करने से बचना चाहिए। तो खासतौर पर अगर लाल कांच के बर्तन होते हैं तो उसमें रखा हुआ जल पीने से बचना चाहिए। घर में मृत रिश्तेदारों के चित्र आपको नहीं लगाने चाहिए, और अगर लगाना अपरिहार्य है, लगाना ही है, तो दक्षिण दिशा में या दक्षिण पश्चिम दिशा में आप लगाएं तो लाभ मिलेगा। घर में कांटेदार पौधे ना रखना चाहिए, इनसे न केवल चोट लग सकती है बल्कि ये हमारे जीवन और हमारे भाग्य में भी अवरोध उत्पन्न करते हैं। घर में खाद्य पदार्थों का संग्रहण उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण में करना चाहिए, यानी एडिबल्स का आपको अगर अपने किचन का स्टोर बनाना है तो आपको अनाज का भंडारण जो है वायव्य दिशा में उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में सबसे बेहतर होता है। अपनी दवाएं, औषधियां घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखना चाहिए, इससे दवाओं का प्रभाव जो होता है किसी भी रोगी व्यक्ति पर बहुत अच्छा होता है, बहुत जल्दी लाभ मिलता है। सकारात्मक ऊर्जा के लिए यानी पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करने के लिए हिंसक दृश्यों वाले चित्रों को भी अपने घर में नहीं टांगना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भवन में स्नानागार का सर्वोत्तम स्थान जो है वह पूर्व दिशा होती है। किसी भवन की उत्तर दिशा में चौकोर डिजाइन का प्रयोग किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए।
परिवार के सदस्यों के बीच स्नेह और प्रेम की कमी करता है। ये दक्षिणमुखी भवन जो होता है ये धनागम एवं समृद्धि के लिए अच्छा होता है। अगर आप खासतौर पर दक्षिणमुखी प्लॉट का प्रयोग करते हैं किसी कमर्शियल यूज के लिए, यानी अगर आप व्यापारिक प्रतिष्ठान वहां बनाते हैं तो व्यापार बहुत अच्छा चल सकता है। तो ये था आज का महा उपाय। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।